खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला आया सामने। हत्या से पहले एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रही है, जिस वीडियो को देख के लगता है कि बुरी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर को पीटा गया, उसके बाद हत्या को अंजाम दी गई है। आइए दिखाते हैं लखनऊ से यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े अपना आतंक बरपाया। शहर के PGI थाना क्षेत्र में बुधवार को स्कॉर्पियो कार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली प्रॉपर्टी डीलर के पेट में लगी थी, इसके बाद उसे तुरंत नजदीक के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। लखनऊ की PGI कोतवाली क्षेत्र के वृंदावन योजना सेक्टर 14 में बी में प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश यादव किराए पर ही रहते थे। दुर्गेश मूल रूप से गोरखपुर जनपद का निवासी है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश के साथी मनीष यादव ने आपसी विवाद के बाद उन्हें गोली मार दी। सुबारा नंबर पे एक सूचना आई, सेक्टर 14 में गोली चल रही है। मौके पे पुलिस पहुंची, वहाँ सूचना सही पाई गई। आप वहाँ जाने के बाद घायल को तत्काल SHO PGI और पुलिस के द्वारा वहाँ ट्रामा सेंटर ले जाया गया। मौके पे जाकर के पूछताछ करने पे पता चला कि ये लोग आपस में जमीन का काम करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। सुबह कुछ लोग उनके घर पे आए, जो कि बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को जान रहे थे। उनके कमरे में गए, काफी देर आपस में बातचीत किए, उसके बाद नीचे उतर के आए। किसी बात पे कहा सुनी हो गई, किसी पैसे की लेकर के संभवतः कहा सुनी थी, और उसके बाद उसी गुस्से में गोली मार के चले गए।